आज हम जा रहे हैं कैथेड्रल मेट्रोपोलिटियाना, जो सिटी के डाउनटाउन एरिया में है। और उसके लिए मुझे बस पकड़नी पड़ेगी यहाँ से 3 स्ट्रीट छोड़ के, एंड देन मुझे डायरेक्ट बस मिल जाएगी डाउनटाउन की। सो लेट्स गो। और 3 स्ट्रीट छोड़ के जो मुझे बस मिलेगी वो मिलेगी मुझे इलेक्ट्रिक बस, और फुल इलेक्ट्रिक बस है वो, और मुझे लेके जाएगी सीधा सीधा सेंट्रल एरिया में, जहाँ मैं जहाँ पे स्क्वायर भी है और कैथेड्रल भी है। तो ये रही मेरी बस जो स्पीड से जा रही है, और काफ़ी स्मूथ है बस, बिकॉज़ फुल इलेक्ट्रिकल है, जो हमारे सूरत में भी आजकल आ गई इलेक्ट्रिकल बस है। गलती से दूसरी बस में चढ़ गया था, मुझे आधे रास्ते उतरना पड़ा, और अभी मुझे तकरीबन आधा 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा डाउन टाउन के लिए बस लेने के लिए। तो सीधा जाना पड़ता है, काफ़ी चलना पड़ता है यार अभी, एक छोटी सी गलती की वजह से। कोई बात नहीं, बनता है। ये रास्ते में आप जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये आप इस साइड से जाके रोड के उस साइड से आप निकल सकते हैं बाहर, मतलब बीच रोड में आप क्रॉसिंग नहीं कर सकते। अभी उसके लिए मेट्रो से अच्छी जा रहा चीज़ हूँ थी। कैथेड्रल, और मेट्रो से जो है 5 पैसों लगे हैं, 5 पैसों में 20 रुपये। सो अभी कैथेड्रल जाऊंगा बाई मेट्रो। हमारे इंडिया में जैसे मेट्रो स्टेशन पे इस तरीके से बेचने के लिए चीज़ें बेचने के लिए बैठते हैं लोग, इसी तरीके से यहाँ पे भी बेचते हैं, जो काफ़ी अच्छी है और ऑलमोस्ट हैंडमेडेड चीज़ें हैं सारी, तो अच्छी चीज़ है ये भी। और यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा, फिर मुड़ के फिर नीचे की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेट्रो है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ अंडर द ग्राउंड है, कुछ रोड के बिल्कुल साइड साइड में है, और कुछ ओवर ब्रिज पे भी है। जैसे इंडिया में जैसे दिल्ली में आप पर्टिकुलर देखेंगे तो ओवर ब्रिज पे है या फिर अंडर द रोड है, लेकिन यहाँ पे रोड के समांतर भी आप मेट्रो देख सकते हैं। 7 स्टेशन के बाद जाकोलो में उतरना है, और वहाँ से सीधा कैथेड्रल के लिए मैं जा सकता हूँ बाइक पैदल। जैसे अभी दोपहर का टाइम हो रखा है तो इसलिए मेट्रो में इतनी ट्रैफिक नहीं है, ठीक ठाक ट्रैफिक है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सालिदा लिखा है, सालिदा मीन्स एग्जिट एग्जिट, और कैथेड्रल की ओर इस तरीके से लिखा था। और ये रहा स्क्वायर जो सामने दिख रहा है, वो इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स है। ये जो है ये कैथेड्रल है, ये काफ़ी पुराना कैथेड्रल है, और ये मेट्रो में से बाहर निकलने का रास्ता, और सामने जो दिख रहा है ये म्यूजियम है, और चमचमाता लहराता हुआ मैक्सिकन फ्लैग। और हम जा रहे हैं अब कैथेड्रल के अंदर, और जाके देखेंगे अंदर किस तरीके से यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर चेक किया गया, एंड ये रही एंट्री। और ये जो कैथेड्रल है, इसका जो स्ट्रक्चर निर्माण कार्य जब शुरू हुआ था वो हुआ था 16 सेंचुरी में, और 17 सेंचुरी में जाके इसका ख़त्म हुआ था। मतलब ये काफ़ी पुराना है, 400-500 साल पुराना है चर्च है, और आज भी वैसा ही मजबूत है। और इसकी दीवारों पे और बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है जो आज भी ऐसी की ऐसी ही है। और अब हम बाहर आ चुके हैं, और अब हम जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट की ओर, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। जैसे हमारे दिल्ली में चांदनी चौक है, सूरत में हमारे यहाँ पे आई थिंक बड़ोड़ा एंड छोटा बाजार टाइप एरिया है। तो ये पूरा व्यू,
और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ये है यहाँ का सुप्रीम कोर्ट। अब हम आ चुके हैं वॉकिंग स्ट्रीट में। यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं और ब्रांडेड चीज़ें, मतलब फ़र्स्ट कॉपी चीज़ें जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे चांदनी चौक में मिलती है दिल्ली में, तो सेम उसी तरीके का है, फ़र्स्ट कॉपी बहुत सारी मिलती है। सो परचेज़ भी देख के करें। और यहाँ पे खाने की भी काफ़ी ऑप्शंस है, जिसमें ज़्यादातर नॉन वेज है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ वेज मिल ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोग वेजिटेरियन का मतलब भी समझते हैं। जैसे पहले चाइना में जब मैं था तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि वेजिटेरियन होता क्या है, लेकिन खैर वहाँ पे तो मेरे को चाइनीज़ आती थी, मैं सीख गया था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे लोगों को पता है वेजिटेरियन का मतलब, तो वो लोग उस तरीके से बना देते हैं। सो अच्छा है मेरे लिए। और यहाँ पे मुझे एक दो टूरिस्ट ऐसे भी मिले थे जो यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने आते हैं, मतलब यहाँ से लेके वो अपने सिटी या फिर अपने कंट्री चिली जैसे छोटे मोटे जो देश हैं वहाँ पे ले जाके ये लोग सेल करते हैं, तो इस तरीके के भी बायर्स मेरे को यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह काफ़ी चीप है, मतलब इंडिया की तरह ही है प्राइजेस यहाँ पर भी कपड़े और ये सब चीज़ों में, और थोड़ी बहुत चीज़ें काफ़ी एंटिक है। और इसका कारण ये एक है क्योंकि दोनों जगह पे जो माल आता है वो सेम कंट्री से आता है, वो है चाइना। तो यहाँ पे भी जो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो मेड इन चाइना देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ, जो एक अच्छी बात नहीं है ऑफ कोर्स हमारे लिए भी और इन देशों के लिए भी, बट ठीक है, काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके हैं हम, और इसीलिए मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है अच्छा है और उसे आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, और अवॉइड करना चाहिए दूसरे देशों की चीज़ों खरीदने से जब तक हो सके। और अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो देखते हैं क्या है मेरे लिए। और ये रहा मेरा खाना जो फुल्ली वेजिटेरियन है। और अभी इस बार हम निकल पड़े हैं पीछे के एरिया में, और ये रहा एक पुराना सा चर्च जिसे कहा जाता है कि आई थिंक यहाँ पे पहले पिरामिड हुआ करते थे और उस पर आई थिंक चर्च बनाया गया है, ये भी काफ़ी पुराना है। और ये अंदर का एरिया, और ये एक और चर्च है, और इसके ठीक सामने मेरा मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से मैं अपने घर के लिए जाने के लिए निकलूँगा, और इसके लिए सबसे पहले मैं टिकट लूँगा सेम तरीके से और फिर जाएंगे घर। और ये रही टिकट, और मेरा स्कैनिंग में इश्यू आ रहा था क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं था और मैं टिकट गलत जगह पर स्कैन कर रहा था, पर ठीक है फिर मेरे को एंट्री मिल गई और मैं जा रहा हूँ घर। And do subscribe and share with your friends. Thank you guys. Thank you.